पिलाया था इसको चीज, तब से मीठी होगी थोड़ी सी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली हम उठ गए हैं, बहुत देर हो चुकी है आज, मतलब 8 बज गए लिटरली। और ये देखो, इसको देखो, इसको आज सजा दिया है, जगह जगह पॉटी कर रहा है 2 दिन से। तो अब सुबह सुबह इस गंदे बबू को हम नहलाएंगे, ठीक है। चुहिया ना बहुत बहुत शैतान हो गया है, इसको बांधना बहुत ज़रूरी है। इसके चक्कर में हमें सोफे ऐसे खड़े करने पड़ रहे हैं, नहीं तो ये सोफे में चढ़ के सुसु कर देता है गधा कहीं का। ये सिखाया मम्मा ने आपको, है अभी तक तो तुम अच्छे बाबू थे, अब तुम ऐसे क्यों हो गए हो गुंडा बाबू। तो चलो, नहाने का टाइम आ गया आपका, शेक हैंड, हेलो, नो 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 बाइटिंग, वेरी गुड, ऐसे करना है। तो मैं इसको नहला लेती हूँ, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में, मैं भी नहा जाती हूँ, पहले मैं इसको नहलाती हूँ, नहीं तो ये मेरे को भी गीला कर देगा, नहीं नहीं करेगा। चलो चलो चलो, यहाँ पे ऐसे नहा गई ओली, नहा गई चुम चुम चुम, अब तक पहुंचेंगे हम, पूछी पूछी करेंगे उनको, पूछ देंगे पहले। अभी अपने तौलिया में खुद ही साफ करेगा अपना, कर साफ कर, अच्छा इसमें साफ करेगा, अच्छा तेल ये लगाया मैंने, मैंने तेल लगाया ये सोफा, इसमें अब साफ करेगा तू अपने आप को, गुटली इसी में साफ करेगा, वाह वाह मेरा हीरो। टॉवल में नहीं करेगा ये, इसी कपड़े में करेगा। यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, गुस्सा रहा, गुस्सा रहा, गुस्सा रहा। अब तुम रेस्ट कर लो, अब मम्मा भी जा रही नहाने, अब मैं भी नहा लेती हूँ। और इस बीच में मेरा नैनू भी उठ चुका है। नैनू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्ची, तेज बोलो नो, गुड मॉर्निंग मम्मा। अरे ओली भी आ गया, देखते हो गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, ओलू गुड मॉर्निंग बोलो मम्मा को, बोलो मम्मा। नहाने के बाद इसको पता नहीं क्या हो जाता है, इतना चुस्त हो जाता है, इतना चुस्त हो जाता है। ये देखो, नहाने के बाद ये तो पागल ही हो जाता है पूरा, बस अब ये ऐसे ही करता रहेगा सारा दिन, जब तक वो सूखेगा नहीं। उसे बहुत गुस्सा आता है कोई उसे नहला देता है तो। ओलिव ओलिव ओलिव, रोली पोली रोली पोली रोली पोली, ओले। अरे कीड़ा नहीं है वो, क्या है? अच्छा इस चींटी को देख के भौंक रहा है, डरपोक, इतनी सी चींटी से डर गया तू, इतनी सी चींटी से डर गया तू, डरपोक डरपोक है तो बहुत बड़ा, मम्मा उठा देगी इसको, तो इससे डर रहा है ये बताओ। प्रीशा भी उठ गई है, गुड मॉर्निंग प्रीशा, आवाज नहीं आई, तेज बोलो थोड़ा। गुड मॉर्निंग गाइस, आप कैसे हो? आज मैं बहुत तेज उठती हूँ, मम्मा से भी थक गई। हां ससुर लेट उठी, हमने व्लॉग में दिखा दिया है, अब ये ब्रश करने जा रही है, हमने तो कर भी लिया। अनु अब पहले आप नहा लो, ठीक है। स्क्वैश कैसा था? अच्छा था। ये सुबह सुबह लेमन स्क्वैश पी रहा है, वो भी ब्रश करने के बाद, कैन यू इमेजिन इसका टेस्ट कैसा है। ये इसको जिद थी कि मेरे को सुबह सुबह पीना है लेमन स्क्वैश। कम ऑन नैनू, सुबह सुबह लेमन स्क्वैश पीता कोई? अच्छा लगता है क्या तुम्हें इतना? ओहो गाइस, इसको बचपन से जूस पिलाया तो ये जूस का दीवाना हो। इसका इसका नाम क्या रखा तुमने बचपन से? जूसी। ये जूसी नैनू है, एक जूसी नैनू है, क्योंकि ये बचपन में बोलता था मुझे जूसी दे दो, जूसी दादी मुझे जूसी दे दो, दादू मुझे जूसी दे दो, सबके पास जाके जूसी 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 जूसी। पापा ने पिलाया था इसको जूस, तब से मैं भी कुछ जूस दे दी दे दो। चलो चलो ब्रश करो, बहुत टाइम हो गया। प्रीशा का आलू पराठा आ गया, प्रीशा अब नाश्ता कर रही है और ये फोन चला रही है, फोन नहीं चलाना खाना खाते हुए। चलो चलो जल्दी खाना खाओ। और नैनू का पराठा यहाँ रखा हुआ, पर नैनू का तबीयत ठीक नहीं लग रहा। नैनू क्या हुआ बच्ची, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? मैं आपको कहा था ना सुबह सुबह स्क्वैश नहीं पीते, उल्टी आ रही दोबारा, नहीं आ रही, क्या हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है? अरे यार रुको, मैं आपको दवाई देती हूँ, ठीक है, मैं इसको दवाई पिला देती हूँ, इसका ना पेट में दर्द होने लग गया है। बच्चा क्या, रोना नहीं है, दवाई पीनी है, दवाई भी नहीं पीनी, पीनी है ना, अभी ठीक हो जाएगा। स्क्वैश नहीं पियोगे ना आगे से खाली पेट?
ठीक है मैं बच्चा, मैंने इसको मना भी किया था कि इसको स्क्वैश नहीं पीना है खाली पेट, मैंने सुबह सुबह उठते स्क्वैश पी लिया और अब दो बार उल्टियाँ कर चुका है और उसका पेट घूम रहा है। उसको मैं पेट दर्द की दवाई दे देती हूँ फिलहाल और मैं अपना नाश्ता भी बनाऊँगी अभी, पहले मैं उसको दवाई दे देती हूँ। नैनू, नैनू को मैं ये ऑन डैम दवाई दूंगी, इससे ना इसकी वॉमिटिंग और थोड़ा सा पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। आओ दवाई पी लो, मैं बच्चा रोना नहीं है, जैसे से कुछ हो जाता ना ये पू पू करने लग जाता है। लो दवाई पियो, मीठी होगी थोड़ी सी। इससे आपको ना उल्टी नहीं होगी, ठीक है? अब रिलैक्स करो, अभी कुछ मत खाना आधे घंटे तक, ठीक है? पराठा मैं अंदर रख देती हूँ, दोबारा बाद में खा लेना, ठीक है? आराम करो, आंखें बंद करो, सो जाओ। और तुम यहीं बंदे रहोगे, ये तुम्हारी सजा है। तुम बहुत बिगड़ गए हो, दो दिन से मैं देख रही हूँ, कहना नहीं मान रहे हो। तुम बैठे रहो, अप्रीशा फटाफट खाओ, फिर और चीज़ का बता देना, ठीक है? चलो अब मैं इसको आराम करने देती हूँ, मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ और इसके पापा को भी उठा लेती हूँ, ये तो सोते ही रहेंगे नहीं तो। तो नाश्ते में मैं अपने लिए बना रही हूँ उपमा। मैं पोहा 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 कर रही होती देर से, पर पोहा नहीं है ये उपमा है, मैं नाम पर कन्फ्यूजन होता है मेरे को बड़ा। प्रीशा कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ में जादू है, जादू है, ऐसे क्यों बोल रही है? मेरे हाथ में तो हमेशा ही जादू है, मैं टेस्टी खाना बनाती हूँ। आलू आलू आलू, सिर्फ आलू के पराठे में? सिर्फ आलू आलू चीजों में, आलू की चीज, आलू 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 मुझे बहुत पसंद है ना, तो मैं आलू से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाती हूँ मजेदार। मेरे हाथ में जादू है प्रीशा, मेरे हाथ खा ले, ले मेरे हाथ खा ले, आई गंदी। मैं अर्शी होना बेटे, अभी कुछ मत खाना, ठीक है? अभी नहीं हो रहा, दवाई असर कर रही होगी ना, तो मैं अर्शी होना बच्चा, मेरा अच्छा बब्बू। आपसे मम्मा का कहना मानना, ठीक है? हाँ, जबरदस्ती नहीं पीते ऐसे, चको अभी ठीक हो जाएगा। चलो मैं अपना नाश्ता लेके आती हूँ। तो अब फाइनल टेस्टिंग का टाइम है कि मैंने सेकेंड टाइम आई थिंक बनाया होगा, मुझे याद भी नहीं इसकी रेसिपी, टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। नॉट बैड, बहुत अच्छा है। इसमें मैंने ना ऊपर से देसी घी भी डाला है, देसी घी मैं खाती नहीं हूँ पर सोचा आज ट्राई करके देखती हूँ, हर कोई खाता रहता है, टेस्टी है यार, आप ऐसा भी बना सकते हो। अच्छा यार ऐसे ही बनता है, और कभी मुझसे अच्छा बना ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ना पानी ज़्यादा कम ऐसा हो जाता था, और मैंने सब मेजरमेंट के हिसाब से करा है तो बेस्ट है। चलो मैं अपना नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। चीयर्स। ओली ओली तू कहाँ छुपा है? ये देखो ये डर के मारे यहाँ छुपा हुआ है, उल्टे काम कर रहा है ना तो यहाँ छुप जाता है, बहुत नौटंकी है ये। मैं यहाँ एडिटिंग कर रही हूँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे मेरा सामान कट रही है, मेरे बैग्स काट रहा है यहाँ पे बैठ के, तो हम इसे डरा रहे हैं, तो डर के मारे देखो क्या छुप गया, पूरा पूरा काट देगा ये। ओलू ये कौन सी जगह छुपने की, पूछ भी बाहर नहीं आनी चाहिए तेरी। अरे पापा के बाल मत चुभा, वैसी बाल कम है। क्या कर लेट गुटू, पापा जरा इसको हेड मसाज देना जो इसको पसंद है। इसकी हेड मसाज देखो कैसी होती है, इसको बहुत पसंद आती है, इसने नई हेड मसाज सिखवाई है, इसको मजा आता है इसे काम में। A few moments later. तो आज हमने बनाए हैं मोमोज। अभी हम खाली बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, तो प्रीशा कहती यार मम्मा मोमोज बना दो ना, मैंने कहा यार मेरे को नहीं आता, पर फिर मेरे को आइडिया आया, थोड़ा सा मैदा और आटा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा जरा एक बार ट्राई करती हूँ, तो एक स्पाइसी चटनी के साथ मोमोज तैयार है। अब लेती हूँ इनका रिव्यू कि कैसा है। प्रीशा जरा चखो जरा दोनों, कैसा हो रहा है मोमो? गर्म हो रहा है, गर्म गर्म में डालना। मोमोज की शक्ल कुछ ऐसी है, ये चटनी इसमें, हाँ चटनी तो बड़ी स्पाइसी बनी है, और ये बनाया आटा और मैदा से मिक्स है। कलर इसलिए चेंज है, उसमें मैंने आटा मिक्स किया है, पूरा मैदा खाएंगे तो अनहेल्दी है ना, इतना मैदा नहीं खाना, आटे से ट्राई किया है। एक बार ट्राई करो ना नैनू, तुमने चखा है तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा है, थोड़ा सा गंदा है,
तुमने चटनी खाई? नहीं, मैं चटनी खाऊंगा। बोला था थोड़ा सा गंदा है। अच्छा है बेटा, वो तुमने कॉर्नर खाया होगा ना, तो कॉर्नर में तुम्हारे को अंदर का तो पनीर आया ही नहीं होगा, तो कैसे किस लगेगा? अब आप कितना इसमें इसको रेटिंग कितना देना चाहते हो 10 में से? 10 में से 100 100 100 100 मिरेकल मिरेकल। तो अच्छा लगा। अरे वाह 1000 वाओ। अब से तो स्माइल तो लाओ अपने चेहरे पे नकली कहीं की। अब से तुम्हारे घर पे बनाएंगे फिर, ठीक है? अगली बार मैदे से बनाऊंगी व्हाइट कलर के। नहीं नहीं 10 में से 10 में से 200। अच्छा थैंक यू सो मच। वाकई में अच्छा बना है। पहले वो कह रहा है गंदा बना है क्योंकि उसने कॉर्नर खाया था, बट अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। चटनी जो बनाई है ना उससे ज्यादा टेस्ट एनहेंस हो रहा है। जब कभी प्री प्लान बनाती हूँ कुछ भी, मैं सोचती हूँ ये बनाऊंगी इनको पसंद आएगा, सब कचरा हो जाता है। टेस्ट जो काम करो ना वो तो गजब है। चलो हम एंजॉय करते हैं मोमोज। अभी दूसरी शिफ्ट चल रही है, बाकी अभी देखो ये देखो ये भी अभी ये वाले भी डलने हैं। यार इतनी जल्दी में बनाए ना तो शेप्स पे मत जाना। शेप्स कुछ ऐसी है, अभी कोई लंबे हैं कोई गोल है, तो दो तरह के बनाए हैं। और ये है मेरी यम्मी चटनी, स्पाइसी, इतनी स्पाइसी, टमाटर और लाल मिर्च से बनाई है मैंने ये। तो जो भी सुन रहा होगा उसके मुंह में ऑफ कोर्स पानी आ रहा होगा, तो आप भी लाइए जाइए बाजार से लेके आइए या फिर घर में बना लीजिए, जो भी आपको सहूलियत लगे। अब मैं भी खा लेती हूँ मोमोज, एक बार टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा है, ठीक है? मैं भी ट्राई करूंगी एक मोमो। बहुत जूसी है, देखो फीलिंग देखो ये। और इसमें एक खास बात और है, मैंने ये जो पनीर यूज़ किया ना ये भी हमने घर में बनाया, होममेड है और बहुत डिलीशियस बना है। मतलब समझ नहीं आता इतने टैलेंट मैं लाती कहाँ से हूँ। वाह ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ मम्मा अभी तो झक्कास बना दिया। झक्कास बना दिया, मजा क्या? अब से घर में बनाएंगे, ठीक है? ऐसी कलर का व्हाइट अच्छा नहीं लगता आपको? ठीक है ये मिक्स है, मिक्स वाला बनाया करेंगे, ठीक है? सच में बहुत अच्छा बन रहा है, कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, वाकई में बहुत अच्छा है। मैं खाती हूँ मोमोज।